हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इनेबल क्यूक बॉल इन वीवो वाई 12 ए। वीवो वाई 12 ए में क्यूक बॉल कैसे इनेबल करनी है, या फिर इजी टच कह सकते हैं आप, इजी टच कैसे इनेबल करनी है आपको इस फ़ोन में। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम जस्ट टू स्टार्ट वीडियो लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जाना है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पर। शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पर जाना है, फिर यहाँ से इजी टच पर क्लिक कर देना है। इजी टच पर जाने के बाद यहाँ से आपको ये ऑफ मिलेगा, यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये आपका इजी टच ऑन हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप डबल टैप करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं डबल टैप से, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ पर इसे इसके बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं आप। टैप ऑन हो, टैप एंड होल्ड, अगर आप होल्ड करके इस पर रखते हैं तो आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप इसे बैक भी कर सकते हैं, इससे होम स्क्रीन पर भी आ सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर आप इस क्यूब बॉल से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड